आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गुरुवार को दिल्ली गेट स्थित होटल में बच्चों की स्कूल फीस माफी को लेकर अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए पापा संस्था द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्य दीपक सरीर ने बताया कि DIOS को 52 शिकायत देने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। COVID-19 से पूरा देश प्रभावित हुआ है। बिजनेसमैन से लेकर ठेल वाले तक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में ताजनगरी के अंदर स्कूल संचालक पेरेंट्स से फीस वसूली अभियान चला रहे हैं। कोरोना काल के 3 माह के फीस माफ कराने के लिए पेरेंट्स शहर में अनोखा आंदोलन कर रहे हैं। फीस माफ कराने की मुहिम को देखते हुए अभिभावकों को पापा संस्था का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आगरा में शुरू हुई पापा संस्था की मुहिम को अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोग इससे लगातार जुड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पापा संस्था के सदस्यों ने अभिभावकों के लिए स्कूल से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान को लेकर संस्था ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिससे परेशान अभिभावक अपनी परेशानी भेज सकते हैं, ताकि संस्था द्वारा तुरंत उनके संदेशों को संज्ञान में लेकर उचित जांच कराकर समाधान करने में अभिभावकों की मदद करेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पर किया है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आगरा में पेरेंट्स को शिक्षा संस्थान और प्रशासन के बीच एक फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। शिक्षा संस्थान जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जब प्रशासन के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमने आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ शिक्षा संस्थान वाले अलग अलग तरीके से लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पापा संस्था के ऊपर वे लोग लगातार एक आरोप सा लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम लोग पेरेंट्स को भड़का रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। हम पेरेंट्स को नहीं भड़का रहे हैं, जबकि हम लोग खुद भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और हम लोग जायज बात के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स साथियों के पास लगातार कॉल आ रहे थे, उसके लिए आज पापा संस्था ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9557300600। इस हेल्पलाइन नंबर पर हमारी टीम बैठेगी। जितने भी पेरेंट्स किसी भी स्कूल की किसी भी समस्या को लेकर यदि परेशान होते हैं तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ कोरोना संकट में जहां पूरा देश परेशान है, वहीं रोजगार ठप हो गए हैं और लोगों की नौकरियां चली गई हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस संकट की घड़ी में फीस माफी की मांग को लेकर पापा संस्था के फीस माफी आंदोलन को लेकर शहर के कई सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है, जिससे आंदोलन की धार और तेज होने की संभावना है। ऐसे में फीस माफी को लेकर संस्था के सदस्य दीपक सरी ने प्रशासन को 23 अगस्त तक सभी स्कूलों के खिलाफ कड़े आदेश जारी नहीं दीपक सरीन ने प्रशासन को 23 अगस्त तक सभी स्कूलों के लिए कड़े आदेश जारी करने के लिए कहा है। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले DIOS कार्यालय पे धरना दिया था। शाम को DIOS साहब ने आके हमारा धरना हमें ये आश्वासन के साथ खत्म कराया कि वे हमारे साथ स्कूल जाएंगे और जहां सहयोग नहीं मिलेगा वहां कार्रवाई करेंगे। उसी कड़ी में सेंट जॉर्ज यूनिट 2 आए भी हमारे साथ। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जब सेंट जॉर्ज यूनिट 2 में पेरेंट की एप्लीकेशन ली जा रही है DIOS साहब के आने के बाद, दूसरा पेरेंट यूनिट 1 जाता है तो यूनिट 1 वाले कहते हैं कि ये जो प्रस्ताव आपका पास हुआ है ये केवल यूनिट 2 के लिए हुआ है। अरे जरमाया साहब, जब आप दोनों स्कूल देख रहे हैं तो एक स्कूल अलग चलेगा, ये भला कैसे संभव है। इसी में मैं आपके माध्यम से DIOS साहब से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग पेरेंट्स हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, हम चाहते हैं समाधान निकले। अगर आप लोग रोज हमारे संग स्कूल जाएंगे तो आपका भी समय खराब होगा। तो जो शासनादेश आया है, शासनादेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग का भी एक ये पत्र भी रिसेंटली जारी हुआ है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो पेरेंट एसोसिएशन है उनके साथ बैठ के समाधान करा जाए और अगर आदेश जारी नहीं हुए तो आंदोलनकारी सड़क पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आगरा शिक्षा विभाग की होगी। संस्था के सदस्य दीपक सरीन ने बताया कि 3 महीने तक सरकार ने भी गरीबों को भोजन बांटने का काम किया है। मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों का कारोबार इस बीच पूरी तरह से ठप हो गया, लोगों को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अभिभावक बच्चों की फीस कैसे जमा कराएं? सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।